क्या रही? हजारी बाग देख सकते हैं आप, हम लोग महुआ चुनने के लिए आए थे, तो यहाँ पे हमको पति और पत्नी मिल गए हैं जो महुआ चुन रहे थे बहुत देर से। जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हर साल जो है ये करते हैं। महुआ झारखंड का बहुत इम्पोर्टेंट जो है प्रोडक्ट है, ये पूरे जंगल में ऐसे ही मिल जाता है, इससे दारू बनता है, बहुत इम्पोर्टेंट दारू बनता है जो पूरे झारखंड में चलता है। उसके साथ साथ खाने पीने की सामग्री है, ये सब्जी में ऐसा सब्जी यूज़ करते हैं लोग। अभी ये महुआ जो पेड़ से गिर रहा है इसको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद पूरा प्रोसेस होगा, उसके बाद फिर इसको बनाया जाएगा। तो झारखंड का जब जो त्यौहार होता है होली के बाद पूरे एरिया में पूरे जंगल में महुआ भर जाता है और अपने आप पेड़ से टपकते रहता है, और इसको लोग जो है ले जाते हैं घर, प्रोसेस करते हैं, उसके बाद इसका यूज़ करते हैं। 40 से 45 रुपये किलो बाजार में बिकता है। जोहार हजारीबाग, तो मेरे साथ झारखंड के दो पति पत्नी हैं जो लोग महुआ चुनते हैं और इनसे इनका व्यवसाय चलता है और साल भर ये काम करते हैं, साथ में ये किसानी खेती भी करते हैं। लेकिन अभी जो सीज़न है महुआ का, वो महुआ जो है इसी पेड़ से, आप देख सकते हैं इसी पेड़ से जो है वो ज़मीन पे गिरता रहता है, और इस सीज़न में अपने आप ये खुद गिरता है और गांव वाले यहाँ पे आते हैं और इसको चुनते हैं, उसके बाद इससे क्या क्या सामग्री बनाते हैं आइए जानते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं। तो क्या नाम है चाचा आपका? कुलेश्वर भुइयां। कुलेश्वर? कुलेश्वर भुइयां। कुलेश्वर भुइयां, तो कुलेश्वर जी क्या करते हैं महुआ, क्या करेंगे आप? महुआ चुन के बेचते हैं। तो ये जो बताइए कि महुआ कैसे शुरू होता है, कब स्टार्ट होता है, कैसे बेचते हैं? महुआ होली के सीजन में, होली के पहले ही स्टार्ट हो जाता है। हाँ। महुआ थोड़ा थोड़ा चुनते हैं, जमा करते हैं, बहुत मेहनत करके। इन साल तो महुआ बहुत कम मात्रा में आए हैं। हाँ। महुआ इंसान लगता है कि 40 केजी 35 किलो केजी भर गिरेगा, आने तो सीजन में एक क्विंटल तक बेचते थे। एक क्विंटल तक? हाँ। तो इसको कैसे किलो बेचते हैं आप लोग? 40 रुपये किलो। 40 रुपये किलो बेचते हैं? हाँ। और पिछले साल भी 40 रुपये किलो था कि दाम बढ़ा है कुछ? अभी तो पुराने वाले 45 रुपये है, नया वाले तो अभी तो रेट नहीं खुला है, अभी तो बिछा रहा है महुआ। और महुआ से क्या क्या बनता है? महुआ से हम लोग महुआ से भी खा, उससे भून के भी खाते हैं, उसको सिझा के भी खाते हैं, उसको शराब भी तैयारी होता है। बस तो यही सब तो है महुआ से। महुआ गोरू भी खिलाते हैं, समझे, उसे दुधारू जानवर को खिलाते हैं, गाय हो चाहे भैंस हो, उनको तो दूध के लिए सोचते हैं दूध हल्का बढ़ेगा खिलाने से इसके, समझे, कुटी के साथ। महुआ खाने से बहुत फ़ायदा होता है? हाँ, महुआ खाने से तो बहुत सर पैदा होता है, बहुत पहले ही से हम लोग के, समझे। जो जंगल में पेड़ है, ये पेड़ जंगली पेड़ है किसी आदमी का पेड़ है? ये जंगली पेड़ है सर। जंगली पेड़ है? जंगली पेड़। तो कोई भी उठा लेता है यहाँ से कि आप ही उठाते हैं हर साल यहाँ से? नहीं, हम हर साल तो हम ही उठाते हैं। हाँ। फॉरेस्ट में है, और कोई नहीं उठा सकता? PW में है। अच्छा, आप मतलब उठाएंगे, आपका भी फिक्स है कि यहीं से उठाएंगे? हाँ। और आपकी पत्नी से थोड़ा बात करेंगे, क्या नाम है आपका? अरे मुस्कुराइए नहीं, इधर देखिए, वीडियो बना इसे। क्या नाम है? सुकरी देवी। सुकरी देवी। हाँ। तो सुकरी जी, आप भी शुरू से इनके साथ हैं इस काम में? हाँ। और जैसे जब महुआ नहीं होता है चुनते, तो आप लोग क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं? हाँ। साथ में करते हैं काम? हाँ। तो और आपका परिवार, जैसे बच्चे उच्चे, ये सब क्या करते हैं? सब अब तो घर ही रहते हैं। घर में रहते हैं? कितने बड़े हैं बच्चे? मतलब बच्चे तो अब 15 साल के है, 18 साल के है। तो लोग स्कूल जाते हैं? हाँ, सब स्कूल जा रहे हैं। एक बच्ची मैट्रिक पास है। अच्छा। और दूसरा लड़की 9 में है, 2 लड़की था से 8 क्लास तक पढ़ के, और उन लोग को विवाह कर दिए हैं। 8 क्लास में विवाह कर दिए? हाँ। कहे इतना जल्दी? इतना जल्दी उनको उम्र हो गया था। कहाँ उम्र हुआ 8 क्लास में? कितना उम्र हुआ होगा, 14 साल होगा? हाँ, तो वो मांझिल बच्ची थी, उनको शादी कर दिए हैं। वो तो लगता 20। कब किए हैं आप? 18 की उम्र में कर दिए। मतलब नहीं, कब, कौन सा ईयर में किए? 2022 में। 2022 में? 22 में। अच्छा, मतलब जल्दी कर दिए है ना। तो अभी तो मैट्रिक पास जो है उसको आगे और पढ़ाना है? नहीं सर, उसको तो अभी नहीं पढ़ाना। वो बच्ची स्कूल जाते हैं तो हर जगह के प्रोमनल देखते हैं कि क्या क्या होता है, तो हमको पता लगता है, तो इसलिए छोड़ा दिए, चलो मैट्रिक पास करा के। अच्छा। हम कुलेश्वर भुइयां हरजन जाती हैं, तो हम भी सोचते हैं कि अरे साला अगला के देखते हैं, तो हमको भी डर लगता है। ये बच्ची चाहते हैं कि आपकी बेटी आगे बढ़े, पढ़े, नौकरी करे, लेकिन हम देखते हुए स्कूल के स्थिति, इसलिए उसको छोड़ा दिए गए। अच्छा। हाँ, कि देखते हैं कि अगला बच्ची, बहुत घटना घटता है हर जात में, देख रहे हैं कि हमारा
इज्जत की प्रतिष्ठा के बचने के लिए उसको कहें कि चलो हटाओ, ऐसा अगला बच्ची कोई भी कास्ट के करता है तो हमारे ऊपर भी कुछ परम ना लाता है कि नहीं, हमको भी सोच लगता है कि देखो हम तो छोटा जाति हैं, वो तो कितना बहुत बड़े बड़े जात लोग के ऐसे ऐसे हो रहे हैं, तो हमको कुछ लगता है संगठन इसलिए छोड़ा दिया गया लगता है। 14 साल के होगा बच्ची मेरा। हाँ, तो ये जो महुआ है इसमें देख रहे हैं दो कलर का है ये। हाँ, महुआ का है, एक सूखा हुआ जा रहा है, एक गया। तो सूखा हुआ कहाँ से आया? ये सूखा हुआ जो कल धूप चला ना। हाँ, धूप चला तो हाई चला था लहर। हाँ, उसमें गिरा ही है। अब ताजा वाला जो है से अभी जो गिर रहा है वो ताजा वाला को हाथ में उठाइए एक बार दिखाइए। ये ताजा महुआ है? हाँ, ये ताजा महुआ है। अच्छा, ये ताजा महुआ हो गया। हाँ, तो ये ताजा महुआ कितना दिन में सूखेगा? ये दो दिन में सूखेगा। दो दिन में सूख जाएगा? हाँ, दो दिन में। उसके बाद तीसरा दिन उठा लेंगे। तीसरा दिन उठा लेंगे, उठा लेंगे। और जो सूखा हुआ महुआ है दिखाइए उसको उठा के। ये सब सूखा हुआ है और यहीं पे जमीन में गिरे गिरे ऐसा हो गया? हाँ, अच्छा। हाँ, पेड़ में लटका हुआ था ये। अच्छा, ये पेड़ में जब लटका हुआ था तो। हाँ, कल जो धूप जो चला जो हाई चला ना लहर। हाँ, हवा। हाँ, उसमें आंधी उसमें ही गिरा है। अच्छा, कल तो यही है। तो आप लोग कितना बजे तक यहाँ पे रहेंगे? अभी 9 बजे तक रहेंगे। 9 बजे तक रहेंगे। सुबह 6 कितना बजे आए हैं? आए हैं यहाँ पर 5:30 बजे आ जाते हैं और 9 बजे चले जाएंगे। हाँ, चले जाएंगे। तो रोज यही? हाँ, कभी 4 बजे आ जाते हैं। हाँ, कभी 5 बजे आते हैं, कभी 5:30 बजे आते हैं। मानो 4 बजे आ जाना हम लोग को फिक्स टाइम, नहीं तो जानवर गोरू खा जाएगा। खा जाएगा, फायदा नहीं। हाँ, फायदा नहीं होगा फिर आने के बाद, इसलिए सुबह आना पड़ता है 4 बजे। बिल्कुल। तो देखिए यही हैं दोनों पति पत्नी जो हैं, ये चौपारण के जंगल में जो है महुआ चुन रहे हैं। और ये महुआ जो है ये सीज़न में फल होता है, देखिए अपने आप जो है पेड़ से गिरते रहता है और ये लोग आते हैं चुनते हैं। कभी सुबह 5:30 बजे, कभी 4:30 बजे आ जाते हैं और 9 बजे तक ये महुआ चुनने का कार्यक्रम करते हैं। उसके बाद इसको घर पे ले जाते हैं, सुखाते हैं और अलग अलग सामग्री इससे बनाते हैं। कभी बाज़ार में भी बेच देते हैं 40 से 45 रुपये किलो, और कभी कभी जो है इससे बहुत तरह की सामग्रियाँ जो है बनती हैं। झारखंड का ये प्रसिद्ध, लगभग 30 से 40% झारखंड के लोग जो हैं वो महुआ से अपना जीवन व्यापन करते हैं। और यही देख सकते हैं आप, पूरे जो एरिया में महुआ गिरा हुआ है जो चुनने के लिए, पूरे गांव-गांव से जो लोग हैं ये चौपारण के जंगल में आएंगे तो हर जगह आपको ये देखने को मिलेगा। ये अच्छा है। बेचारा बनाएगा ही।